हेलो व्यूअर्स, हाय, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशोखुर्रम होंगे। डे 35 की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज 5 फरवरी है और संडे का दिन है। असूली तौर पर तो कल हमारा डे 35 होना चाहिए था, मगर हमारे मैसन को कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ घर पर काम आन पड़ा और उन्होंने छुट्टी की, तो कल का दिन हमारा ऑफ रहा। तो आज हम डे 35 के साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी शटरिंग लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि फ्रेंड्स, जब हमारा लैंटर डला तो बहुत से लोगों ने हमें मशवरा दिया कि आप इसे 2 या 3 दिन स्टॉप रखें, आप अभी इस पर वर्किंग शुरू ना करें। मगर जो हमारे कंट्रैक्टर साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम जारी रखें, मेरी लेबर का मसला है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना होगा, इंशाल्लाह आपके लैंटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें, हमने उनके मशवरे पर काम शुरू कर दिया। मगर आज देखें, 2-3 दिन बाद अपना काम हुआ, उन्होंने छुट्टी कर लिया, हाफ डे कर लिया। तो इसलिए बेहतर है आप अपने वर्क को अपने हिसाब से चलाएं, ना के कंट्रैक्टर के हिसाब से, क्योंकि हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपना ही मफाद मद्देनज़र रखता है, तो चाहे इसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज हमारी वर्किंग शुरू है। ये जो हमारी एक साइड हमारी 40 फीट की बन चुकी थी, और बैक साइड पे हमारी 20 फीट 3 इंच की दीवार भी कंप्लीट है। अब उसके अपोजिट साइड पर 40 फीट वॉल की चुनाई शुरू कर रहे हैं। ये हमारी चुनाइयाँ शुरू हैं, ठीक है। लैंटर आपने हमारा पहले ही देख लिया था कि हमारे इंजीनियर साहब की मौजूदगी में ही, जो कंट्रैक्टर भी हैं, डला था, ठीक है। एक आध दोस्त का फ़ोन आया कि आपने लैंटर का लेवल ठीक नहीं कराया। वो कहते हैं कि अगर आपका मैसन करंडी और फट्टी लेकर उसके साथ ही इसको लेवल कर देता तो अब ऐसा ना होता। अब आपका जो लैंटर है, कहीं पर 5 इंच है तो कहीं 4 इंच है, कहीं 6 इंच है, तो लेवल नहीं है। चलें, जो नुकसान हम कर चुके हैं, मेरा मशवरा है कि मेरे व्यूवर्स हजरात इन नुकसान से बचेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। आज हमारे एक मैसन और 2 लेबरर्स काम कर रहे हैं, चुनाई आपके सामने है। कल क्योंकि ऑफ डे था, सैटरडे को हमारी लेबर छुट्टी पर थी, तो मैं आया था, मैंने एक ट्रॉली ब्रिक्स मंगाई जो मुझे 27,000 की मिली। अभी रिसेंटली ईंटों के रेट कम हुए हैं, मगर बाकी तमाम चीज़ों के रेट रेज अप हो गए हैं, और इसी सिलसिले में हमने थोड़ा सा कल की छुट्टी का ये फ़ायदा भी उठाया कि हमने डोर्स जो हमने लगवाने हैं उनसे भी रابطہ कर लिया, और मार्बल फैक्ट्री का भी विज़िट कर लिया। तो डोर्स वालों को भी मैंने 10,000 एडवांस दे दिया और उनसे रेट्स की लिस्ट ले ली। उम्मीद है वो कल या परसों 1-2 दिन में आके मेजरमेंट ले जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, एक मैसन हमारा ईंटों की तराई कर रहा है पाइप से, और एक जो सॉरी ये लेबरर
ट्राई कर रहा है ईंटों की। और आप देखें, यहाँ हमने ईंटें जो छत पर चढ़वाने के लिए एक मजदूर से कंट्रैक्ट किया है, वो हमारी ट्राली उठाने में लगा हुआ है ताकि इनको काम करने में आसानी हो, ताकि ये जल्दी जल्दी इनके पास मटेरियल मौजूद हो और काम कर सकें। गो के जो नीचे काम की रफ्तार थी उससे हमें वो रफ्तार नहीं मिल रही। आज पिछले दो दिनों में वर्किंग बहुत फास्ट थी, आज थोड़ा हो सकता है मैसन की तबीयत ख़राब हो। तो दूसरा देखें, हमारा लेबरर रेत भर के ऊपर लेके जा रहा है मिसाला तैयार करने के लिए। हमारी सीढ़ियों का मसला जो कि तू है, ये अभी हल नहीं हुआ। हालांकि हमारे कंट्रैक्टर ने तो कहा था कि वो सैटरडे को आकर यही काम करेगा, सैटरडे ऑफ था, मगर संडे को भी ये काम नहीं हुआ। अभी देख लें, इस वक्त तक हमारी वाल इतनी बनी है और मैसन हमारा काम में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, और आगे वाले शटरिंग, क्योंकि इन्होंने देखें ये सामने जो वाल है इन्होंने रुख दे दिया था, अभी मुझे यहाँ से भी तुड़वानी पड़ेगी कि ये जो इन्होंने रुख जोड़ दिया है। हालांकि मैं बाहर बालकनी बनाना चाह रहा हूँ और इन्हें मैंने बहुत पहले भी कह दिया था, इसलिए अब देखें ये जो है शटरिंग को, जो इन्होंने हमने आगे शेड जो दिया उसकी शटरिंग को एक मज़दूर जो है थोड़ा साफ कर रहा है ताकि हम इस पर वाल को दे सकें। ये कल हमारी वाल इसी तरफ आएगी। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट है, आज मैं जल्दी घर चल जाऊंगा, अभी 3 बजे हैं और मैं घर की तैयारी में हूं। आज तक की जो वर्किंग हुई है वो तकरीबन बस यही है कि हमारी हाफ वाल कंप्लीट होगी। ये हमारा जो मज़दूर है ऊपर से इसकी सफाई कर रहा है, तो सीढ़ियाँ हमारी वैसे की वैसे, शटरिंग हमारी लगी हुई है, इसका मुझे ही कुछ खुद आइडिया सोचना होगा कि मुझे सीढ़ियाँ कैसे ठीक करानी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ तक, इंशाअल्लाह डे 36 को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और तबीयत की ख़राबी की वजह से इस वीडियो को मैं अगली वीडियो के साथ ही कनेक्ट करूँगा ताकि आप दोनों वीडियो इकट्ठी देख सकें। ठीक है, यहाँ से अब मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ और डे 36 के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। यहाँ तक हमारा डे 35 का वर्क है। हेलो व्यूअर्स, डे 36 की वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ, इसी वीडियो के साथ जो कनेक्ट है। अभी हम साइट पर पहुँचे हैं, आज का दिन आप देख रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला जो व्यू है वो कैसा है, ये सामने से मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ हमारी वर्किंग का। और अभी हम अंदर चलते हैं और ऊपर पहुंचते हैं ताकि आपको ये दिखाया जाए कि आज हमारी वर्किंग क्या है। सीढ़ियाँ वैसे की वैसे हैं, इसलिए मैं आप इनको ज़्यादा नहीं दिखा रहा। अभी हमारे मैसन हजरात, मैसन और लेबरर्स हजरात काम कर रहे हैं। ये देखें, इन्होंने अब जो हमारी 40 फीट वाल है वो हाफ कंप्लीट की थी, अब उस पर मुकम्मल करने की तैयारी में है। हमारे जो मजदूर ईंटें उठाते हैं,
लेकर आ रहे हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, दोपहर तक इन्होंने ये वाल तकरीबन कंप्लीट करने वाले हो रहे हैं। वही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले दो दिन हमारी स्पीड बड़ी अप रही है और ये कुछ स्लो थी। अब इन्होंने हमें जो शेड के ऊपर जो 2 फीट वाल दी है ताकि हम बालकनी बनाएं, आगे हमने रीलिंग और ग्लास लगाना है। देखें, यहाँ तक हमारी वाल चल रही है। अभी ये हमने इन्होंने कुछ सामने की वाल पर अब काम शुरू कर दिया है और दरमियान में इन्होंने पिलर भी दिया है इस वाल के, ताकि इसे सपोर्ट हो सके, क्योंकि ये वाल जो है ये 2 फीट बनाएंगे और ये हमें बता रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे पिलर देंगे और इस हमारे फ्रंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम फ्रंट व्यू बने और इससे हमारा फ्रंट व्यू खासा खूबसूरत लगेगा। ये देख लें फ्रेंड्स, ये हमारा काम जारी है और इन द इवनिंग टाइम हमारा जितना काम कंप्लीट हुआ, अब मैं आपको उसका व्यू करा रहा हूँ। इन द इवनिंग टाइम हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, ये पिछला काम है और फ्रंट का वर्क अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट का काम है। हल्का सा तिरछा रह गया था हमारा एक साइड से, जो इन्होंने वाल दी है, वाल को टर्न दिया है, वो इन्होंने कहा कि हम सुबह इसको सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, आज इतनी वर्किंग है। स्टेयर्स के बारे में मैंने इन्हें बता दिया है कि किस तरीके से इन्होंने स्टेयर्स का फॉल्ट दूर करना है और वो डिज़ाइनिंग भी आ जाए, खूबसूरती भी आ जाए। तो अगले दिन का इन्होंने वादा किया है कि वो हमारी स्टेयर्स को बेस्ट तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।